अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करती है, वो है इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साल 2021 में इन्होंने अपनी कंट्री से $35.8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था, और बांग्लादेश अपनी इसी इंडस्ट्री की वजह से अपने मुल्क में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब देता है। आज कोई भी मुल्क बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपीट नहीं कर सकता। इसकी रीजन यह है कि बांग्लादेश की पूरी पब्लिक इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंगेज है। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। चाइना के बाद बांग्लादेश टेक्सटाइल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। टेक्सटाइल ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत मदद दी है। इसी टेक्सटाइल की वजह से बांग्लादेश में जॉब्स भी बहुत तेजी से जनरेट हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर काफी ज्यादा काम किया है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे तो आपको मेड इन बांग्लादेश के बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे। कैसे बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई जो कि 20 से 30 साल पहले ही आजाद हुआ था? इस वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी सालों से काम कर रही है, लेकिन इनकी असली डेवलपमेंट पिछले 10 से 15 सालों के अंदर हुई। 10-15 सालों में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई। अगर हम इनकी कहानी स्टार्ट से समझेंगे तो 1971 के बाद जो उनकी गवर्नमेंट बनी थी उसमें एक इंसान थे नूरुल कादिर खान, ये इस गवर्नमेंट में सेक्रेटरी थे। इनको पता था आने वाले वक्त में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा जॉब क्राइसिस होने वाला है। इन्होंने कुछ फैसले उसी वक्त लिए जिसका रिजल्ट आज हम सब देख रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने 1978 में तकरीबन 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा। इन्होंने लोगों को कहा जाओ और सीख कर आओ रेडीमेड गारमेंट्स कैसे बनाया जाता है, ताकि बांग्लादेश भी रेडीमेड गारमेंट्स बनाकर दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर सके। ये विजन नूरुल कादिर ने उस वक्त ही सोच लिया था, और इसके बाद जब ये पूरी टीम वापस आई तो 130 में से ज्यादातर लोगों ने पूरी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, और नूरुल कादिर खान ने देश गारमेंट नेम की कंपनी स्टार्ट कर दी जिसने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1980 में बांग्लादेश सिर्फ $3.5 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा था। अगर हम इसी फिगर की 2007 में बात करें तो ये $10.7 बिलियन हो जाता है। इनकी इस ग्रोथ में इनकी पूरी कंट्री ने बहुत साथ दिया है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को नहीं बना सकती, वहां की पब्लिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और बांग्लादेश के लोगों ने भी इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में अपनी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा साथ दिया। आज की डेट में बांग्लादेश से जितनी भी एक्सपोर्ट होती है उसमें 80% एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से है। आज बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं जहां से कपड़े बनते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। बांग्लादेश में काफी ज्यादा गरीबी थी जिस वजह से इन लोगों ने काफी सस्ते में कपड़ा बनाना और बेचना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी तो यहाँ पे बहुत ही सस्ते कपड़े एक्सपोर्ट होते थे और दूसरे मुल्क के लोग भी इसको खरीदने लगे। यहाँ की टेक्सटाइल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है और लोगों को भी बहुत पसंद आती है। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता कहां है, तो अगर हम बात करें बांग्लादेश के टेक्सटाइल के 2 बड़े इंपोर्टर्स की तो उसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। इन दोनों कंट्रीज में टेक्सटाइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत सारी न्यू कंट्रीज आगे आई हैं जिन्होंने बांग्लादेश के साथ अपनी टेक्सटाइल की इंपोर्ट बढ़ा दी है, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया भी है। इंडिया में भी रेडीमेड गारमेंट्स का ट्रेंड बहुत ऊपर जा रहा है, तो अब बांग्लादेश से कपड़े एक्सपोर्ट होकर इंडिया भी जाते हैं, और हर साल
50% ग्रोथ रेट से ये ट्रेंड भी इंडिया में बढ़ता जा रहा है। चाइना ने भी बांग्लादेश के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। अगर हम 2010 की बात करें तो बांग्लादेश चाइना को $52 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था, लेकिन ये फिगर 2019 में बढ़ के $500 मिलियन हो गया है। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने 10 गुना की ग्रोथ सिर्फ 9 से 10 सालों में की। अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30% ग्रोथ किया है। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट भी बहुत तेज है। कोई भी कंट्री इनकी ग्रोथ से कंपीट नहीं कर सकता। आज चाइना के बाद ये टेक्सटाइल के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस इंडस्ट्री के लिए अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ था। साल 2022 में वियतनाम ने इनको टॉप एक्सपोर्टर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कर दिया था। वियतनाम भी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफी सालों से काम कर रहा है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साल में बांग्लादेश फिर से दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे पे है और पहले पे चाइना है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। लेकिन काफी सारी कंट्रीज हैं जो बांग्लादेश की तरह काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। पहले बांग्लादेश स्पेन को सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अभी 2021 में तुर्की ने इनको पीछे कर दिया है। तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडिया भी इस इंडस्ट्री में अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने पिछले 20 से 30 सालों में जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि साल 2025 तक बांग्लादेश $100 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश ने कैसे पिछले 20 से 30 सालों में इतनी तेजी से ग्रो किया। तो उसके पीछे दो रीजन हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरे वहां के लोग। दोनों ने बहुत ईमानदारी से इस इंडस्ट्री पे मिलकर काम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से कई अच्छे कदम थे जिस वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्री ने काफी ग्रो किया है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पे गवर्नमेंट ने बेटर पावर जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसा कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया ताकि इंडस्ट्री में काम करने का कॉस्ट काफी ज्यादा कम किया जा सके। बांग्लादेश में काफी ज्यादा लोग बेरोजगार थे, वहीं पे गवर्नमेंट ने अगली चीज ये की कि उन लोगों को काफी ज्यादा इंसेंटिव देना शुरू कर दिया जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अगली चीज गवर्नमेंट ने ये की कि अपनी एक्सपोर्ट को दुनिया में तेजी से बढ़ाया ताकि कंट्री में जॉब्स की कमी को खत्म किया जा सके, और इसमें गवर्नमेंट बहुत कामयाब रही। उसके बाद इन्होंने ये किया कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें चाइना की तो बांग्लादेश का चाइना के साथ भी एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से पॉसिबल हुआ। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं है जो बांग्लादेश को बहुत आगे लेकर जा रही है, बल्कि इनका स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा है। इन्होंने ढाका को बहुत कम टाइम में ग्रो किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया।